क्या? मेरा मतलब है कि शादी के बाद तुम लोग कहीं घूमने नहीं गए। हनीमून के बारे में पूछ रही थी मैं। हाँ, मोहन भी यही कह रहा था, कहीं दूसरी जगह जाओगे तो दिल बहल जाएगा। नहीं बड़ी माँ, नहीं बड़ी माँ, यहाँ पूरा घर घाम में डूबा हुआ है और हम हनीमून के लिए चले गए। बड़ी माँ, नहीं छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों को क्या पसंद है, लेकिन किसी के चले जाने से संसार का काम तो नहीं होता। मेरी बातें शायद तुम्हें अजीब सी लगी, लेकिन यही सच्चाई है। देखो, जब हम सब लोग उनके सामने सामने खड़े होकर जीवन बिताएंगे तो उसकी प्रगति धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और यहाँ मैं और जना भी हैं उसका ख्याल रखने के लिए। उसका क्या होगा? उस बेचारे का तो सब कुछ उजड़ गया है, वो क्या करेगी बड़ी माँ? मैं उसके लिए बात करना चाहती थी। अगर तुम दोनों उसे अपने साथ ले जाओगे तो उसकी हालत सुधर सकती है, नई जगह पहुंचकर उसका दिल हल्का हो सकता है। भाइयों, आप सब लोगों ने जो मुझे मान्यता दी है उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप मेरा साथ देंगे तो ये इलेक्शन में जीता ही जीता, और आपके सहयोग से अपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाएगी। देखा सर, सब लोगों ने एक साथ हाँ कह दिया है, अब तो ये इलेक्शन आप जीत ही गए। सुनिए सुनिए, जफर भाई मैं अभी हाजिर हूँ। क्या बात है, तुम इतनी घबरा हुई क्यों? धनराज, क्या हुआ उसको? धनराज बाहर जाने की जिद कर रहा है। इलेक्शन की इतनी बड़ी मीटिंग चल रही है, तुम्हें धनराज की पड़ी? आपको इलेक्शन की पड़ी है? वहाँ वो बाहर जाने की जिद पर अड़ा हुआ है, आप उसे रोक लो। अरे जाते हैं तो जाने दो उसको। लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बाबा, इतने दिन कमरे में बंद पड़ा रहेगा तो तबीयत क्या खाक ठीक रहेगी? घूम फिर के आएगा तो उसकी तबीयत भी बढ़ जाएगी। अगर वापस नहीं आया तो आप रोक लो उसे। इतनी चिंता क्यों कर रही हो? घूम फिर के घर ही वापस आ जाएगा। तुम ये रिश्ते मत करो, मैं मीटिंग में बैठा। सुनिए धनराज, धनराज मैं हाथ जोड़ती हूँ, मत जा, मत जा बेटा। मैं आ जाऊँ। धनराज, तुमने हाल ही में आईने में अपनी शक्ल देखी है सीमा? क्या हालत बना रखी है अपनी? मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें वो सीमा देखनी है जो हमेशा बनती थी, सवरती थी, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। धीरज, जिसके लिए मैं ये सब कुछ करती थी वो तो अब
मुझे छोड़कर चला गया। उससे छोड़ूंगा नहीं उसकी ये मजाल। जब इंसान के सर से ऊपर पानी हो जाता है ना, तब वो हाथ पैर चलाता है। अरे तुम्हें भी उसकी बातों पर यकीन हो रहा है? पायल इतना बड़ा झूठ नहीं कह सकती है। जी, 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 जी। उस मासूम बच्ची पर क्या गुजरी होगी जब तुमने, मुझे शर्म आती है मुझे तुम्हें पति कहने में। इंसान इतना गिर सकता है कि अपनी सगी भतीजी के साथ। अरे बंद करो अपना बकवास। ये तुम्हें बकवास लगता है? हाँ, 14 साल जिस पीड़ा के साथ पायल गुजरी है उस बारे में सोच के मेरे आत्मा तड़पती है। मैं एक ऐसी गंदे घटिया इंसान की बीवी हूं। घर सीमा के साथ मैं भी इस घर छोड़कर चली गई होती। हाँ हाँ तो चली जाओ, किसने रोका है तुम्हें, जाओ। हेलो, कौन है? ठाकुर साहब, मैं किशन भोसले बोल रहा हूँ, पंडित जी का वकील। अब बोलो किशन। साहब एक बुरी खबर है जो आपको सुनानी थी ताकि आप भी बच सकें। हाँ हाँ बोलो, क्या है, जल्दी बताओ। सूरज को जिन्होंने खत्म किया था उन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। साहब पंडित तो अंदर है ही, अगर इन लोगों ने आपका नाम उगल लिया तो आप भी फंस जाओगे। ठाकुर साहब आप मुंबई से भाग जाओ। ठाकुर साहब आप सुन रहे हैं ना?
चल सकते क्या? बंदूक की तरह चलते हो, इल्जाम गाड़ी चलाने वाले पर लगाते हो। हाँ, तुमसे कह रहा हूँ मैं, तुमसे क्या बेर हो क्या? अरे रुकिए, ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? कल सिखा रहा हूँ, मेरी गाड़ी के सामने आते आते बच्चा। देखिए ये दिमागी तौर पर बीमार इंसान है, आप प्लीज इन्हें छोड़ दे। बीमार है तो इलाज करो इनका। कुछ हो जाता तो ऑटो चल। मीता, अरे तुम्हें सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? ये लोग कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। अच्छा जी, सीमा को भी साथ में ले जा रहे हो? हाँ माँ, हम तीनों साथ में जा रहे हैं। नहीं नहीं, सीमा को मत ले जा। सूरज वापस आएगा और पूछेगा सीमा कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगी? नहीं, उसे यहाँ रहने दो, नहीं तो सूरज नाराज हो जाएगा। अरे मीता, ये बच्चे तो तुम्हें बताना भूल गए कि ये लोग तो सूरज को ले नहीं जा रहे हैं। हाँ माँ, हाँ। अच्छा मैं क्यों रोकूंगी सीमा को? जा बेटी जा, और सूरज को वापस ले आ, और उसे कहना कि मैं उसे बहुत याद करती हूँ। और धीरज, सूरज से पूछना इतना भी क्या बिजी हो गया कि माँ से फोन पर भी नहीं बात कर सकता। जाओ जाओ जल्दी। और पायल, सूरज को साथ लेकर ही आना। दीदी दीदी, अब सूरज आ जाएगा। हाँ मीता, वो जरूर आएगा। मैं पहले ही कहती थी पुलिस के चक्कर में फंस जाओगे, मत करो कोई ऐसा वैसा काम। पंडित के सारे आदमी पकड़े गए ना। अरे तुम बहस मत करो इस वक्त मेरे साथ, जितना जरूरी सामान है बांध लो, पुलिस किसी भी वक्त आ सकती है, जाओ। लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? अरे हम लोग अमेरिका जाएंगे, आज इंडिया छोड़ देंगे। मैं एजेंट से बात कर लेता हूँ, जाओ सामान बांधो। हेलो रोशन। हाँ मैं रोशन बोल रहा हूँ, बोलिए। रोशन, मैं ठाकुर बोल रहा हूँ, मुझे अमेरिका के लिए वीजा और दो टिकट चाहिए, मेरे और मेरी पत्नी के नाम के। सर आजकल वीजा की बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अरे कुछ भी करो, कैसे भी करो, रोशन पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करो, लेकिन मुझे आज अमेरिका जाना ही जाना है। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन आप यहाँ से सिंगापुर निकल जाते हैं तो वहाँ मेरे आदमी यूएसए का वीजा दे देंगे। मैं सिंगापुर जाने का आपको अरेंज कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर सिंगापुर की पहली फ्लाइट के दो टिकट के साथ, ठीक है? कितने देर में बताओगे मुझे? बस आधे घंटे में हो जाएगा। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। ओके, जल्दी करना प्लीज। तुम हमें कितना मारोगे इंस्पेक्टर? मैं तुम्हें एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ कि हमने सूरज को नहीं मारा। झूठ बोलता है साले, झूठ बोलता है। हमारे पास पक्के सबूत हैं, सूरज के भाइयों ने खुद तुझे गोली चलाते हुए देखा है। बदब राम, हमें सबसे पहले पंडित को तोड़ना होगा। ये दोनों उसी के इशारे पर काम करते हैं, अगर पंडित टूट गया तो ये भी टूट जाएंगे। तुम दोनों जानते हो ना तुम दोनों कि पंडित हमारे कब्जे में है, और बेटा अगर उसने कुछ भी कबूल कर लिया तो तुम दोनों के जिस्म के हर छेद में पटना की लाल मिर्चें डालूंगा, समझे? पंडित ने हमें कोई ऑर्डर नहीं दिया। अच्छा, ऐसे नहीं मानोगे तुम। ऑलराइट, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता ना, तो एक ही रास्ता होता है, एनकाउंटर। वेरी गुड आइडिया, समाज से ऐसे मुजरिम को साफ करने का एक ही रास्ता है,
ले जाओ इन्हें नेशनल पार्क या किंगफिशर के जंगलों में। हाँ वैसे ही मुंह नहीं खोल रहे, सालों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो, कह देंगे हमने सरेंडर करने के लिए कहा था, नहीं माने साले फायरिंग करने लगे, हमने भी गोलियां चलाई। और सुनो वो जो गोदाम में रिवॉल्वर पड़े हैं ना, इनकी लाश के पास पटक देना, और ये काम आज रात को ही होना चाहिए, ठीक है? हो जाएगा। हाँ सूरज पर गोलियां हमने चलाई थी साहब। बोल किसके कहने पर चलाई, किसने सुपारी दी थी? बोल। ठाकुर के कहने पे, ठाकुर ने सुपारी दी थी साहब।